बेंगलुरु सेंट्रल में लोकसभा इंतखाबात का माहौल काफी गर्माया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटी टेलीविजन शो मास्टर शेफ की फर्स्ट रनर अप शाजिया खान भी इलेक्शन कैंपेनिंग में शामिल हो चुकी हैं। शाजिया खान बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान के हक में कैंपेनिंग कर रहे हैं। अपनी मुहिम के दौरान शाजिया खान घर घर पहुंचकर मंसूर अली खान के लिए वोट मांग रहे हैं। शाजिया खान मरकजी साबिक वजीर डॉक्टर के रहमान खान की बहू और बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार मंसूर अली खान के बड़े भाई मकसूद अली खान की अहलिया हैं। फैमिली मेंबर अपनी जगह, लेकिन शाजिया खान का कहना है कि बेंगलुरु सेंट्रल की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए लोग मंसूर अली खान को मौका दें, क्योंकि मंसूर अली खान एक हार्ड वर्किंग और विजनरी कैंडिडेट हैं। द रेस्पॉन्स इज वेरी गुड, सब लोग खुश हैं, दे वांट अ चेंज आल्सो, तो अच्छा रेस्पॉन्स है। देयर इज होप फॉर चेंज। जी, बहुत सारे लोग वो भी कह रहे हैं कि वो नज़र नहीं आए हैं, बट मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। मैं अपने कैंडिडेट के बारे में बात करूँगी, जो हमारे मंसूर अली खान हैं। वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, एक बहुत हार्ड वर्किंग कमिटेड इंसान हैं। उनका एक विजन है बेंगलोर सेंट्रल के लिए, और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड्स में है, एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपीरियंस है उनका, तो 100% वो अगर जीत, इंशाल्लाह जीतेंगे तो यू विल सी द ड्रीम्स ऑफ बेंगलोर सेंट्रल्स पीपल टर्निंग इनटू रियलिटी, बिकॉज ही इज़ अ गेम चेंजर, ही इज़ अ ड्रीम कैचर, एंड ही इज़ अ पर्सन विद अ विजन। तो ये उम्मीद है और भरोसा है कि ये सब चेंज आती है। बहुत मेहनत किए हैं वो भी, पार्टी में भी काफ़ी सारे रोल्स निभाए हैं, कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस में भी बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और आप रिजल्ट्स देखे हैं कि कैसे कर्नाटका में कांग्रेस पावर में आई है और छा गई है, और श्री सिद्धरमैया जी की, हमारे सीएम जो हैं, उनके गारंटी से बहुत लोग खुश हैं। स्पेशली जो हमारे बीपीएल के अंडर लोग आते हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, जो गारंटीज़, स्पेशली आप देखें तो गारंटीज़ को फोकस ज़्यादा लेडीज़ पे है। जैसे हमारी गृहलक्ष्मी गारंटी है, जिसमें हर सीनियर सिटीज़न लेडी को 2000 रुपये दे रहे हैं। हमारी जो बाकी के युवा नीति, युवकों के लिए, जो यूथ हैं, उनके लिए भी एक मिनिमम देखें, अगर वो ग्रेजुएट हैं, अगर वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 2000 और 1500 जितना उनको भी दे रहे हैं। और मेन देखें, इंसान का पेट भर के रहा तो वो सेटिस्फैक्शन रहती है, जितनी छोटा की कुछ भी हो, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में चावल पहुँचे, कुछ ना कुछ पहुँचे, नो पर्सन शुड स्लीप हंग्री। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गारंटी है, और अगर तो मैं नहीं बोलूँगी, इंशाल्लाह कांग्रेस पावर में आएगी। वी हैव सीन हाउ मिस्टर मंसूर अली खान हैज़ बीन अ चेंज मेकर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ही इज़ बीन अ पर्सन विद अ विजन, एंड सो ही इज़ ऑलवेज बीन प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक, एंड इन द सेम मैनर वी बिलीव इन हिज विजन ऑफ ब्रिंगिंग अ बेटर एंड बिल्डिंग अ बेटर बेंगलुरु, because he is talking about sustainable development, he is talking about inclusion, he is talking about acceptance, just like ma'am said, and that is what we see in him. He is a person who has always believed in change, and we know with him the change is definite. We want an educated politician, we want someone who can understand our problems and who can give solution, and Mansoor Ali Khan is one who can do this. We want a Congress candidate who will be our voice, and he is going to be with the voice. What I believe is, as a democratic country, as we all are educated, I want, like, not just for the sake of voting we should just go and vote for the parties, we should just see the candidates portfolio, like the candidate's background, whether the candidate is like good or competitive, what can he do to uplift the society. So I feel like we should just see the candidate's history, biography, and then vote for a change.